हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग KVS के क्लास 8 का पीरियोडिक टेस्ट 1 के सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिनका भी पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो प्लीज़ इस पेपर को एक बार रिवाइज कर ले, ज़रूर आपका एग्ज़ाम में हेल्प मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ऑलरेडी फॉर्मेट कि आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका टाइम दिया जाएगा 130 आवर्स टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी, इस तरह करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। कभी कभी सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह दिए जाएंगे। चलिए सेक्शन ए के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7/19। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स हम निकालते हैं, जो भी दिया रहेगा आपका रेशनल नंबर। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करना है वाली, अगर प्लस रहेगा तो माइनस करना है और माइनस रहेगा तो प्लस। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए -7/19 है तो सिंपल 7/19 हो जाएगा, ये आपका आंसर लिख देना। एडिटिव इन्वर्स इजकल टू 7/19 ऐसे लिख देना आंसर। चलो सेकेंड नंबर, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमेटर में कन्वर्ट हो जाता है, डेट मीन्स वो नंबर जो दिया है वो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए फिलहाल अभी 1/5 दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? लिखना 5y1, डैट इज ए सिंपल 5 लिखना, समझ गए ना। चलो फिर उसके बाद क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग, 2x-2=7। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए 2x हो गया और 2 को इधर से भेजेंगे, नंबर के साइड में भेजेंगे तो क्या होगा? 7+2 डैट इज कितना हो गया बताइए? यहाँ से 2x=9 हो गया, तो यहाँ से आपको x=9/2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 9/2 आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में व्हाट इज अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? तो सिंपल डिफाइन कर लीजिएगा। अब पॉलीगन क्या होता है? और सिंपल क्लोज कर्व लिखेंगे, सिंपल क्लोज कर्व मेड ओनली, बोलिएगा मेड ओनली लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से जो बना रहता है उसी को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQR, साइड PQ और QR दिया हुआ है। देखिए पैरेललोग्राम है PQRS, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको PQ दिया, देखिए PQ दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और QR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल पेरीमीटर निकालना हो तो देखिए ये जितना 12 होगा ये भी 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वही पैरेललोग्राम का हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? पेरीमीटर इजकल टू हो जाएगा, लिखिएगा 2 × लेंथ, लेंथ की जगह पर क्या 12 हो गया और ब्रेथ की जगह 7 दे दीजिएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 12 और 7 19 और 2 में करेंगे इंटू तो 38। अब ये यूनिट क्या देना है? देखिए यूनिट आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही देना है, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल करना है, जीरो हैज रेसिप्रोकल नो, जीरो के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 का रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 लिखना है। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -12 का एडिटिव इन्वर्स सिंपल 12 लिखना है और ये सिंपल z+2=6 है, तो बताइए z+2=6 है तो कैसे सोल्व होगा? तो z+2=z क्या हो जाएगा? 6-2 डैट इज 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 फिल कर देना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का टोटल, एक पैरेललोग्राम का टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो पैरेललोग्राम है मतलब क्वाड्रिलेटर है, इसका हो जाएगा 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटर कहे आपका 360 देना है आंसर। चलिए सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी में क्वेश्चन दिया हुआ बनाने लगे, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
नेम द क्वाड्रिलेटर व्हिच डायगोनल बाइसेक्ट इज, तो किसमें होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, और साथ में आपका किसका भी करेगा, एक रोम्बस को भी करेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर देना है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन व्हिच एक्सटीरियर एंगल इज हैज ए मेजर 45 डिग्री। देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है और नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो एन इज इक्वल टू टोटल पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होती है, तो 360 में 45 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका कितना 8 टाइम में कट गया, डैट इज 8, नंबर ऑफ साइड 8 हो गया, जिसको हम लोग ऑक्टागोन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना, 2x-1, तो सिंपल देखिए x को एक तरफ लेके आइएगा, 2x ये आएगा तब प्लस में, x हो गया इक्वल टू 14 पहले से है, इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 3x जोड़ के कर देंगे और इधर 15 हो जाएगा, डैट इज x इज इक्वल टू 15/3 करना तो 5, यही आपका आंसर हो गया। x का वैल्यू कितना लिख देना 5, इसी तरह प्रोसीड करते रहना, पढ़ाते रहना, ठीक है। चलो ये भी ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन 13, मीन्स सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेक्शन सी, इस सेट में थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, बट आपके इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देंगे। चलिए, आर्गुइंग इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सीरिया, 5 ईयर्स एगो हिज एज वाज द 3 टाइम्स सीरिया एज, फाइंड ईयर प्रजेंट एज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो इसमें देखो यहाँ आर्गुइंग इज ट्वाइस, आर्गुइंग का एज मान लेना है और सीरिया का, तो देखो येल्ड करा है, आर्गुइंग का जो एज है सीरिया के एज से ट्वाइस है, तो पहले सीरिया का एज मान लेते हैं, क्या सीरिया का एज क्या है, लिखना सीरिया एज, तो सीरिया एज को मान लेना एक्स ईयर, तो ऑटोमेटिक है कि आर्गुइंग का एज कितना हो जाएगा, बोलिए आर्गुइंग का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x हो जाएगा, समझ गए, 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब पहले कहता है, तो पहले में क्या होगा एज घट जाएगा, तो दोनों का एज क्या हो जाएगा, सीरिया का एज जो हो जाएगा 5 साल पहले, लिखेंगे 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो इधर लिख लेना, तो सीरिया का एज कितना हो जाएगा बताओ, सीरिया का एज हो जाएगा x-5, और उसी तरह आर्गुइंग का एज कितना हो जाएगा, बोलिए आर्गुइंग का जो एज होगा 2x-5 हो गया। अब कह रहा है यहाँ से कि 5 ईयर्स एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स द सीरिया एज, 3 टाइम्स हो गया, मतलब जो सीरिया का एज है x-5 है ना, और ये जो आर्गुइंग का एज है, मतलब आर्गुइंग का एज है जो सीरिया के एज है 3 टाइम्स हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x-5, ये जो आर्गुइंग का एज हो गया 3 टाइम्स किसका करेंगे x-5 से, इसको सोल्व कीजिएगा, तो देखिए 2x-5 इक्वल टू यहाँ से 3x-15 हो गया, और x को एक तरफ लेके जाइएगा तो इधर के 2x में से 3x गया तो -x हो गया इक्वल टू -15 में से ये उधर जाएगा तो -15+5 हो गया, डैट इज यहाँ से मिलेगा आपको -x इक्वल टू -10, कट के ख़त्म हो गया, डैट इज यहाँ से x का वैल्यू 10 आ गया, तो दोनों का परसेंटेज कितना होता है, एक का कितना, देखिए यहाँ पे सीरिया का एज लिख दीजिएगा, सीरिया का जो एज हो जाएगा 10 ईयर्स और आर्गुइंग का जो एज हो जाएगा वो डबल कर देना है 20 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया हुआ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो देखो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये मान लेते कि पैरेललोग्राम है और यहाँ पर एक 3 का 2 का रेशियो दिया हुआ है, डेट इज एक 3x का 2x मानेंगे, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट एंगल्स क्या है, एंगल्स एंगल ए मान लेते हैं कितना, देखिए जब भी रेशियो में तो 3x मानेंगे और एंगल बी कितना मान लेंगे 2x डिग्री मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस
2x इजकल टू 180 डिग्री, यहाँ सोल्व करोगे तो देखिए 5x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू कितना होगा, 180 में 5 से डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 36 डिग्री आया। तो देखिए अब यहाँ पर सारे एंगल बताना है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए जो हो जाएगा आपका 3x है, तो 36 में 3 से इंटू करेंगे तो 108 आएगा डिग्री, एक हो गया। एंगल बी कितना हो जाएगा, डबल करना है तो 36 में 2 से गुना करना है, 72 आ गया। उसी तरह एंगल ए जो होगा किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा, तो डायरेक्ट आप एंगल सी बराबर कितना लिख दीजिएगा, 108 डिग्री। और एंगल डी एंगल बी के बराबर होता है पैरेललोग्राम में, 72 डिग्री बोल दीजिएगा। तो इस तरह के फाइनल आपका आंसर मिल गया। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, सी डी और ए डी सब दिया हो, कुछ नहीं बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें क्या करना, एक साइड को कोई लेना, ए बी को ही लेना, ए बी यहाँ ए और बी लिया, बी को एस ए बी लिए, अब यहाँ से बी सी ऊपर ड्रॉ करना है, कितना वो पता नहीं आपको, तो आर्क करना है यहाँ से बी से लेके यहाँ पे ऐसे करिएगा आर्क, और ए सी दिया हुआ है, चलिए ए सी भी दिया हुआ है तो यहाँ से ऐसे काटिएगा, यहाँ सी मिल जाएगा, तो यहाँ ए बी और सी मिला, और उसके बाद इस पॉइंट से ए डी इधर भी इससे इसे काटिएगा, और ए डी दिया हुआ है, और ए सी हो गया, और सी डी दिया, सी से यहाँ डी काट ऐसे कटेगा, इस तरह कट के मिला दीजिएगा, तो आपका डी पॉइंट मिल जाएगा। बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है, बना लीजिएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, सोल्व करना है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो कैसे सोल्व कीजिएगा, चलिए आपका दिया हुआ है, फिफ्टीन बाई फोर माइनस सेवन एक्स, सॉरी बाई में नहीं दिया हुआ आपका, 15/4 माइनस सेवन एक्स इजकल टू 9 है, तो यहाँ सेवन एक्स इजकल टू क्या करिएगा, 15/4 माइनस 9 करके सेवन एक्स कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 15 में से 36 घटेगा, ऐसे लिखिएगा 15 9 4 36 बराबर 7x, तो यहाँ से लिखिएगा 7x इजकल टू 15 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 21 हो गया, नीचे में आपका 4 हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू जब निकालिएगा तो माइनस 21/4 इंटू 7 कट के 3 हो गया, डेट इज माइनस 3/4 राइट आंसर हो गया, समझ गए। चलिए ये आपका क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये 4 मार्क्स का, प्रेजेंट एज ऑफ अनुज राजा ही जितना, देखिए तो ये सिंपल है कंसेप्ट, एगो 4x मानेंगे, आयो के 5x मानेंगे, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब पर फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में 8 ईयर्स में क्या हो जाएगा, दोनों का एज में 8 साल जोड़ेंगे, और देखो दोनों का रेशियो कह रहा है, तो 5x + 8 और रेशियो कितना है, 5/6 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 24x + 48 इक्वल टू, इधर से करेंगे तो 25x और प्लस कितना हो गया, 40। अब इसको एक तरफ ले जाइएगा तो देखिए 24 को इधर ले जाएंगे तो x इजकल टू आई 40 को इधर लेगा तो 8, सिंपल घट के आ गया, तो x का वैल्यू 8 आया, तो लेकिन प्रेजेंट एज दोनों का निकालना है तो कितना कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 4 जा इतना है ना, अनु का एज हो जाएगा देखिए कितना, 8 8 4 जा 32 ईयर्स, और राज का एज कितना हो जाएगा बताइए, राज का एज हो जाएगा 8 5 जा 40 ईयर्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह एक और स्क्वायर बनाना है, रीड जिसमें आर ई दिया हुआ है, स्क्वायर बनाना, देखिए आर ई ए डी,
तो स्क्वायर में पता है कि ऑल साइड इक्वल होता है, बस सब साइड आपको दिया हुआ, एक साइड दिया हुआ तो, और आराम से अब इसको एक 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 साइड दिए लेना, उस पर यहाँ बनाना और यहाँ बनाना, और एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है दो को। इसमें सबसे पहले आप ए बी लेना, सॉरी ए बी करें आर ई ले लेना, और यहाँ पर 90 बनाना और यहाँ बनाना। आर ई कितना लेना है, 5.1 लेना है। तो यहाँ से लंबे परपेंडिकुलर दो को ड्रॉ करोगे है ना, तो ये भी 5.1 काट लेना, 5.1 उसके बाद मिला देना आर ई ए डी, आराम से बन जाएगा रीड, समझ गए। और लास्ट में क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रेशनल विड 3/4 5 एंड 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले बच्चों नीचे डिनोमिनेटर कितना है, वो 3/5 है, और दूसरा कितना है 3/4। 5/4 का एलसीएम कितना, 20 आता है। तो 20 बनाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, तो 3/5 में इसे 4 से गुना करो तो हो जाएगा 12/20। एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, 15/20। अब आपको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो अपने मन से क्या करना है, इसमें 5 से गुना कर दो, चाहे कुछ नंबर से ऊपर नीचे गुना कर दो। मान ले कि 2 से ही गुना कर दिया तो कितना गया, 24/40 हो गया है ना, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 30/ कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए 24 और 30 के बीच में कौन कौन नंबर आ रहा है, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40 ये आ गया। तो इस तरह के हमने देख लिया किस पे टर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। थैंक यू।